दिस आर सिक्स लेक्चर ऑफ मैनेजीरियल इकोनॉमिकोडे आर टॉपिकविटी एनालिस टॉपिक जो है हम पिछले लेक्चर से कंटिन्यू कर रहे हैं थोड़ा सा मैं आपको रिफ्रेश करती हूँ वी वर डिस्क टाइपिटीज एंड स्टार्ट विद प्राइस इलास्टिस और इसमें हमने ये देखा था कि हम इसको दो तरीके से मैजर कर सकते हैं First one is the point price elasticity of demand and the second one is arc uh, price elasticity of demand. Or is the formulas we use in terms of calculus point elasticity ko kahatha or uh, arc price elasticity hai, uske liye humne average quantity or average prices. Ko liya tha. Now, as far as point price elasticity is concerned, this is used to measure small changes in price. Whereas arc price elasticity, elasticity is used to measure big changes in price, so iske changes hain price may uska demand jo respond So basically, elasticity measures the responsiveness of demand to given changes in prices. And in general, we can say it is the percentage change in quantity divided by the percentage change in prices. इसके इसमें हमने अभी तक जो देखा था उसमें हमने ये डिफरेंट केसेस देखे थे दैट इलास्टिसिटी कुड बी ग्रेटर देन वन इक्वल टू वन और लेस देन वन एंड सिमिलरली वी हैव आल्सो ऑल्सो द टू एक्सट्रीम केसेस दैट इज व्हेन इलास्टिसिटी इज कम्पलीटली इनसेंसिटिव टू गिवन चेंजेस इन प्राइसेस एंड वेन इलास्टिसिटी इज इंटायरली इट इज़ इंफिनिटली इलास्टिक और इसके लिए हमने देखा था कि uh, जो इंफिनेटली इलास्टिक जब uh, होगी डिमांड uh, तो उसमें जो डिमांड कर्व था वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन की शक्ल में था अदरवाइज इट इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग दैट इज़ द डिमांड कर्व दैट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग और उसके लिए हमने जो है देखा था कि इफ़ द इलास्टिसिटी इज इक्वल टू वन ग्रेटर देन वन लेस देन वन When it is greater than 1, it is defined as elastic demand. When it is equal to 1, it is defined as unitary elastic. And when it is less than 1, uh, then it is defined as inelastic demand. In uh, 10 cases audio extreme cases, we the introduction. अभी हम ये देखने जा रहे हैं इसके बाद हमने जो डिमांड uh, कर्व uh, जो इसके कारस्पॉन्डिंग हमने डिमांड कर्व uh, एक ड्रा किया है और आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि डिमांड कर्व जो है उसमें हमने इलास्टिक रेंज और इन अलास्टिक रेंज जो है वो शो की है दैट इज द डिमांड एट द मिड पॉइंट द डिमांड कर्व यू लुक एट द मिड पॉइंट ऑफ द डिमांड कर्व यू कैन सी दैट एट दैट पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू वन दैट इज यूनिटरी इलास्टिक Whereas above that uh, midpoint, the, we can see the elastic range of the demand curve. Below that midpoint, we can see the inelastic range of the demand curve. This is the demand curve that we have drawn If we have drawn a general form mein, equation, we that the, equation, the general equation that we have selected here to draw this demand curve is P is equal to A minus PQ. वेयर पी इज द प्राइस क्यू इज़ द क्वान्टिटी और आउटपुट यहाँ पर हम लेंगे क्योंकि हम एवरेज रेवेन्यू की बात कर रहे हैं एंड ए एंड बी आर द प्राविटर्स कॉन्स्टेंट हैं इसके स्लोप जो है वो है माइनस पी और इसमें से हम मार्जिन रेवेन्यू फंक्शन जो है वो कैसे डिराइव करेंगे ये आप जानते हैं क्योंकि हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं इन anyway, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इन ऑर्डर टू फर्स्ट वी विल गेट टोटल रेवेन्यू तो टोटल रेवेन्यू को हासिल करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे Q से सो दैट वी गेट टोटल रेवेन्यू इक्वल टू ए क्यू माइनस बी क्यू स्क्वेयर नाव टू फाइंड द मार्जिन रेवेन्यू वी डिफ्रेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू क्यू एंड वी गेट मार्जिन रेवेन्यू इक्वल टू ए माइनस टू बी क्यू सो दैट यू कैन सी दैट द स्लोप ऑफ द मार्जिन रेवेन्यू इज माइनस टू बी वेयर इज द स्लोप ऑफ द एवरेज रेवेन्यू रेवेन्यूज फंक्शन इज माइनस बी सो हियर वी कैन सी अ क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू दैट इज द मार्जिन रेवेन्यू फंक्शन एंड द एवरेज रेवेन्यू फंक्शन और जब हम इनको ड्रा करते हैं दैट इज द मार्जिन रेवेन्यू कर्व एंड द एवरेज रेवेन्यू कर्व वी कैन सी इन द डायग्राम दैट द मार्जिन रेवेन्यू कर्व इज टीप एज दैट ऑफ द एवरेज रेवेन्यू और द डिमांड फंक्शन क्योंकि उसकी जो स्लोप है एग्जैक्टली उससे डबल है यहाँ पे ये इनमें हम एक क्लियर रिलेशनशिप जो है वो देख सकते हैं इसके बाद जो इन दोनों को अगर हम यहाँ पे इस कर्व में आप देखते हैं कि डिमांड कर्व जहाँ पे इलास्टिक है दैट इज़ इन द इलास्टिक रेंज मार्जिनल रेवेन्यू इज़ पॉजिटिव एंड वेयर द डिमांड कर्व इज दैट इज द इलास्टिसिटी इज इक्वल टू वन जहाँ पे मिड पॉइंट है डिमांड कर्व का वहाँ पे एग्जैक्टली मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो ज़ीरो है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू इज़ इंटरसेक्टिंग द हॉर्जोंटल एक्सेज दैट इज एक्स एक्सिस वेन वी लुक एट द इनलास्टिक रेंज इसके कारस्पॉन्डिंग आप देख सकते हैं कि इन एलास्टिक रेंज में वेन इलास्टिसिटी इज लेस दैन वन मार्जिनल रेवेन्यू इज नेगेटिव सो इस तरह से मार्जिनल uh, रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू और प्राइस इलास्टिसिटी जो है उनका रिलेशनशिप जो है हम देख सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं दैट वी हैव टू पैनल्स इसी में जो पैनल ए था उसमें मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू हमने जो ड्रॉ किए हुए थे और जो पैनल बी है उसमें हमने टोटल रेवेन्यू फंक्शन जो है उसको ड्रॉ किया हुआ है सो वी है रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड द टोटल रेवेन्यू यहाँ पे अगर आप पैनल बी को देखेंगे दैट इज दॉटम पैनल में डायग्राम है टोटल रेवेन्यू की उसमें जब आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि जब डिमांड जो है वहां पे इलास्टिक रेंज है जब तक तो टोटल तो रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज कर रहा है इन अदर वर्ड्स मार्जिनल रेवेन्यू इज पॉजिटिव वेन द टोटल रेवेन्यू रीचेज इट्स मैक्सिमम एट दैट पॉइंट दिस पॉइंट कॉलपॉन्ड्स टू द इन पैनल ए वेयर डिमांड कर्व इज वेयर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज एग्जैक्टली इक्वल टू वन अब आप पैनल ए में जो रेंज है डिमांड कर्व की जो इन इलास्टिक है उसको देखें और इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप देख सकते हैं कि पैनल बी में टोटल रेवेन्यू जो है वो डिक्रीज कर रहा है मतलब डिक्लाइन कर रहा है तो इस, इसका मतलब यह है कि जो फर्म है उसके लिए टोटल रेवेन्यू प्राइस और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की इम्पोर्टेंस इसलिए है कि फ़र्म जो है उसको देखना है हमें मालूम है कि टोटल रेवेन्यू जो है दैट इज इक्वल टू प्राइस टाइम्स क्वांटिटी सो इट हैज टू कॉम्पोनेट्स दैट इज प्राइस एंड क्वांटिटी इफ द फर्म नाउ रिड्यूस इट्स प्राइस और इंक्रीज इट्स प्राइस तो इसके लिए हमने क्योंकि कहा है कि देर आर टू कॉम्पोनेंट्स एक तो प्राइस है और दूसरा क्वांटिटी है और जो डिमांड uh, कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो जब वो प्राइस को इंक्रीज करेगा तो डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व की वजह से उसकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम हो जाएगी और इसके बरस अगर वो प्राइस को रिड्यूस करेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड ज़्यादा हो जाएगी विच वन ऑफ दिस टू विल डोमिनेट कौन सा जो इफेक्ट है वो स्ट्रांगर होगा दिस विल डिपेंड ऑन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड दिस इज वट वी आर गोइंग टू शो यू इन दिस डायाग्राम आप देख सकते हैं कि जब टोटल रेवेन्यू जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है और वो जो है वो कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है टू द इलास्टिक रेंज ऑफ द डिमांड कर्व दैट इज वन द डिमांड इज इलास्टिक एंड फर्म इंट्रोड्यूस प्राइस कट तो आप देख सकते हैं कि जब फर्म प्राइस कट इंट्रोड्यूस करेगी तो इसके नतीजे में अगर डिमांड जो है वो इलास्टिक है तो जो टोटल रेवेन्यू है दैट विल आल्सो इंक्रीज व्हाई? द रीज़न इज That uh, when the firm introduces a price cut, that is, price is reduced. As a result, the proportionate change in quantity demanded is more than the change in price. Therefore, total revenue will increase. Now, look at the point where the total revenue is at its maximum. This point corresponds to the demand function where its elasticity is equal to 1. दैट इज यहाँ पे अगर हम उसकी स्लोप देखते हैं टोटल रेवेन्यू फंक्शन की इट इज़ नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग स्लोप इज कॉन्स्टेंट इन अदर वर्ड्स मार्जिन रेवेन्यू इज इक्वल टू जीरो एट दैट पॉइंट सो इफ अगर जो फर्म है इस सूरत में जब उसकी डिमांड जो है वो यूनिटरी इलास्टिक है इन दैट केस इफ द फर्म रिड्यूस इट्स प्राइस वॉट विल हैपन

चेंज जो उसकी इसके मुकाबले में क्वांटिटी में आई है तो यहाँ व्हेन द डिमांड इज यूनिटरी इलास्टिक इन दैट केस वी कैन सी दैट द टोटल रेवेन्यू इफ़ द प्राइस इज इंक्रीज और डिक्रीज टोटल रेवेन्यू विल रिमेन कांस्टेंट दैट इज इट विल नॉट चेंज इसमें हम जो तीसरी सिचुएशन है उस पर देखते हैं कि uh, जो डिमांड कर्व है वो रेलेटिवली इनस्टिक है और इस सूरत में Uh, क्या है? इसका असर होगा जब हम प्राइस में मैनेजर जो है वो चेंज करेगा उसको इंक्रीज करेगा या उसको डिक्रीज करेगा वेन ही रिड्यूस द प्राइस वॉट विल हैपन टू द टोटल रेवेन्यू द टोटल रेवेन्यू जो है वो भी डिक्लाइन uh, कर जाएगा और इसकी क्या रीज़न है यहाँ पे जब वो प्राइस को कम करेगा तो क्योंकि हम कह रहे हैं कि डिमांड जो है वो इन है

इस बात का जो डिसीजन है फर्म को लेना कि प्राइस जो है वो इंक्रीज करनी है या नहीं करनी या उसको जो है उसको बढ़ाना है या कम करना है दिस विल डिपेंड ऑन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इस के बाद ने कल आपको एक फार्मूला भी डिस्कस किया था जो कि हमने उस वक्त सिर्फ आपको उसका जिक्र किया था वी हैव जस्ट मैंशन दैट फार्मूला द रिलेशनशिप विच शोड द रिलेशनशिप बिटवीन

दैट इज़ द फंक्शन इज़ इन द फॉर्म यू इन टू वी फॉर्म तो यहाँ पे दिस मीन्स डैट वी कैन यूज़ द प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफ्रेंसीयर बिकॉज इट इज़ इन यू इन टू वी फॉर्म सो वी यूज द फॉर्मूला एंड वी गेट वॉट वी गेट हेयर एज यू कैन सी द डायरेवेशन इन द नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाता है और इसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं पी बाय पी दैट इज इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे पी बाय पी और या जो जिसके नतीजे में हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन आता है डी पी बाय डी क्यू इन टू क्यू बाई पी जो कि एग्जैक्टली exactly जो है इनवर्स है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के इसलिए हम इस एक्सप्रेशन को वी कैन राइट इट एज वन ओवर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सिंस वी नो दैट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी पी बाय मल्टीप्लाइड बाई पी ओवर क्यू लेकिन ये एक्जैक्टली exactly उसके उलट है इसलिए हम Is ko 1 over elasticity of demand. Then factoring out p, we will get marginal revenue equal to p multiplied by 1 plus 1 over elasticity of demand. Now, look at the expression within the bracket. Since elasticity of demand, the coefficient of elasticity of demand is negative, therefore, the expression within the bracket is always less than 1.

It is always negative. Price elasticity of demand is always negative, uh, and uh, since it is negative, therefore, uh, assuming that price elasticity is mi minus 2. In the bracket, we have 1 minus 1 by 2. So, that we have 1 minus 1 by 2 is equal to 1 by 2, and multiplying it by Price. This is a fraction. Now, fraction. When we multiply fraction by price, on the right-hand side, so let's say price is hundred, and we multiply it by zero five, so that we get on the right-hand side fifty. So that when price, this means when price is hundred, marginal revenue is fifty. Uh, that is, uh, we have said that elasticity is. Minus 2, which is greater than 1. So we are talking about an elastic demand or is surat me marginal revenue positive. pehle is graphically uh, we have seen that when the demand is elastic, that is, it is in the elastic range, it is greater than 1, uh, then marginal revenue is positive. If uh, let us say elasticity of demand is exactly equal to 1 then uh, substituting this value of elasticity, we will get 1 minus 1 in the bracket so that it is equal to 0, uh, which means that margin revenue at that point is equal to 0. when the elasticity is equal to 1, we we have already shown it graphically that when elasticity is exactly equal to 1, margin revenue is equal to 0. This way, we show that elasticity when it is less than 1, we can see that as a result, we will get a negative value of marginal revenue. So, with the help of this formula, we can see that uh, we have seen the relationship between price, price elasticity of demand, and marginal revenue. From the same formula, we can also derive the optimal price formula. We know that at equilibrium for a downward sloping demand function, when the firm is facing a downward sloping demand function, the equilibrium condition is marginal cost is equal to marginal revenue. Or, in this, we have seen marginal revenue. abhi we have derived that it is equal to price times one plus one over elasticity of demand. Now, substituting this value of marginal revenue into the equilibrium condition, that is, marginal revenue equal to marginal cost, we will get. Price multiplied by one plus one over elasticity of demand equal to marginal cost. So that price is equal to uh, now multiplying both sides by one over one plus one over elasticity of demand, we will get price equal to marginal cost divided by one plus one over elasticity of demand. This is what is called an optimal price of the firm. So isme firm this means that now using this formula, firm can uh, it use its optimal pricing uh, policy assuming that the manager of a firm notices that a 1% discount in price will increase quantity demanded by 2% and he estimates his price elasticity equal to minus 2 and he knows from the data of marginal cost he knows that marginal cost uh, of his product per unit is 25 dollars now

एंड द इलास्टिसिटी एस्टिमेट रिमेन्स द सेम दैट इज माइनस टू एज अ रिजल्ट यहां पर क्या होगा फॉलोइंग रिडक्शन ऑफ वन डॉलर इन मार्जिन कॉस्ट द प्राइस विल नाउ बी इट विल फॉल टू फोर्टी एट डॉलर इट विल फॉल बाय टू डॉलर और अब उसकी जो ऑप्टीमल प्राइस है वो फोर्टी एट डॉलर होगी सो so, यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट यूजिंग दिस फार्मूला वी हैव डिराइव द ऑप्टीमल प्राइस फार्मूला और इसमें जो फर्म है वो ईजिली ऑप्टीमल प्राइसिंग पॉलिसी जो है उसको इख्तियार कर सकती है सो फॉर वी हैव सीन दैट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ द डिमांड कर्व और इसमें हमने देखा है कि जैसे कि अभी हमने देखा है डायग्राम में भी कि कुछ पॉइंट्स पर जो है डिफरेंट रेंज है इलास्टिक रेंज है this elasticity is greater than 1, equal to 1 and then less than 1. But here now we are going to consider a case where the price elasticity is constant, that is it is constant throughout the length of the demand curve. This type of a demand curve assumes a shape of rectangular hyperbola and it can be expressed by a non-linear equation so that demand curve is defined as Q equal to A p to the power minus b where minus b is the coefficient of elasticity now if the value of b is let's say 3 so elasticity hai wo constant hogi or its value is minus 3 if on the other hand b is equal to 1 then the elasticity is equal to minus 1 and it is called a unitary elastic demand curve next we have to consider the determinants of the price elasticity of demand Basically, there are three factors uh, which influences the elasticity of demand, and they are number one, we have to see whether it close substitutes And then we have to see what type of a commodity it is. And next, we have to see that how much is uh, spent on how much income of the consumer is spent on this particular product. So, first of we have to see whether it has close substitutes or not. अभी जो क्लोज सब्सटीट्यूट्स हैं हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास जो इसेंशियल गुड्स हैं और नॉन इसेंशियल गुड्स हैं उनकी हम बात करते हैं जो उनकी डिफरेंट टाइप्स हैं जहाँ तक सब्सटीट्यूट्स uh, का ताल्लुक है अगर इसके क्लोज साब्सटिट्यूट्स होंगे देन देन द डिमांड इज मोर इलास्टिक जैसे कि अगर हम बात करते हैं कोक की तो कोक जो है उसके बहुत से दूसरे ब्रांड्स जो हैं वो क्लोज सब्सटीट्यूट हैं और कोक की प्राइस को अगर थोड़ा सा भी इंक्रीज करेंगे तो इसकी डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा गिर जाएगी क्योंकि लोग जो हैं वो दूसरे ब्रांड्स पर शिफ्ट कर जाएंगे नेक्स्ट वी हैव टू कंसिडर द नेक्स्ट फैक्टर विच इज द टाइप ऑफ द कमोडिटी विच टाइप ऑफ द कमोडिटी मीन्स दैट वेदर इट इज necessity, लग्जरी और तो इसमें हमें देखना है एक तो खैर ये रेलेटिव टर्म्स हैं क्योंकि एक चीज़ जो मेरे लिए नेसेसिटी है वो आपके लिए लागजरी हो सकती है जो या जो चीज़ मेरे लिए लागजरी है वो आपके लिए नेसेसिटी हो सकती है लेकिन फिर भी हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं जो इसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं और नॉन इसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसेंशियल प्रोडक्ट्स में फूड है क्लोदिंग है हाउसिंग है और नॉन इसेंशियल या जो ऐसी चीज़ें जिनके हम जो है परचेजेस को पोस्टपोन कर सकते हैं वो नॉन इसेंशियल में आ जाएंगी तो इस तरह से टाइप ऑफ कमोडिटी के ऊपर भी जो इलास्टिसिटी है वो डिपेंड करेगी फॉर इंस्टेंस वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अब इलेक्ट्रिसिटी जो है उसकी प्राइस जो है रेजिडेंशियल uh, कंज्यूमर्स uh, के लिए या जो कंज्यूमर्स जो हैं जो कमर्शियल कंज्यूमर्स हैं उसकी प्राइस उसकी प्राइस हम देखते हैं कि बढ़ती जा रही है लेकिन इसका क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के कोई क्लोज uh, जो साबस्टिट्यूट हैं एज सच मार्केट में नहीं है अभी uh, जो स्पेशली हाउस होल्ड्स हैं उसमें यूपीएस है या जनरेटर्स आ गए हैं और इसी तरह से कमर्शियल यूज़ में भी उसके कुछ साबस्टिट्यूट्स uh, अवेलेबल uh, हैं लेकिन इसके बावजूद इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको हम इसेंशियल गुड्स और सर्विसेज में uh, करेंगे दैट इज़ इलेक्ट्रिक जो सर्विस है वो इसेंशियल में आएगी और इसके बगैर आजकल बहुत मुश्किल uh, हो जाता है तो इस सूरत में अगर इलेक्ट्रिसिटी हम देखते हैं कि इसकी प्राइस जो है वो बढ़ती जा रही है लेकिन इसके बावजूद इसकी डिमांड जो है वो कम नहीं हुई इसका मतलब ये है कि ये जो है इसकी जो टाइप है वो नेसेसिटी में आ जाएगी इसीलिए इसकी जो इलास्टिसिटी है वो कम है दैट इज़ इट इज़ रेलेटिवली लेस इलास्टिक एंड इन अदर वर्ड्स मैथमेटिकली या इसको न्यूमेरिकली हम कहेंगे दैट इट लाइज बिटवीन ज़ीरो एंड वन और लेस देन वन इसके बरक्स ऐसी कमोडिटीज़ uh, को अगर हम देखें जिनके परचेज uh, जो हैं वो हम पोस्टपोन कर सकते हैं तो उसमें फिर uh, जो उनकी इलास्टिसिटी जो है वो ज़्यादा होगी और नेक्स्ट फैक्टर हमने कहा था कि इनकम का जो है कितना आप जो है इस पे स्पेंड करते हैं अब जो बिग टिकट आइटम्स हैं जैसे कि ऑटोमोबाइल्स हैं या आप एक घर खर खरीद रहे हैं तो इस पे आपकी इनकम की बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है बहुत ज़्यादा उसका परसेंटेज जो है वो उस पर स्पेंड हो जाता है तो आ, इसके लिए इसकी जो इलास्टिसिटी होगी वो भी ज़्यादा होगी क्योंकि अगर इस इनकी प्राइसेस बढ़ती हैं तो कंज्यूमर्स जो हैं वो इसके लिए वेट कर सकते हैं दूसरे इंसेंटिव्स के लिए और इसी तरह से लेकिन इसके बरक्स अगर आपकी जो आप हम दूसरी डे टू डे जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं जैसे टूथपेस्ट है सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं कॉस्मेटिक्स हैं तो इनकी प्राइसेस अगर इनमें रिलेटिवली कुछ इंक्रीज हो जाती है तो इनकी डिमांड में बहुत ज़्यादा फ़र्क जो है वो नहीं आता क्योंकि इनकम का बहुत ज़्यादा शेयर जो है वो हम इन पर नहीं लगा रहे होते इसलिए इसकी डिमांड पर ज़्यादा असर जो है वो नहीं पड़ेगा नेक्स्ट uh, इसमें हमने देखा कि दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलासिटी ऑफ डिमांड यानी कि जो डिटामिनेट्स हैं इसके मेन वो ये थ्री डिटामिनेट्स हैं जो अभी हमने डिस्कस किए इसके अलावा भी हम इसमें कुछ और भी शामिल कर सकते हैं बट दीज आर द थ्री मेन फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल और विच विच कैन बी कंसिडर्ड एज द डिटामिनेट्स ऑफ द इलासिटी ऑफ डिमांड Now we come uh, to the next type of the elasticity, which is called income elasticity of demand. We have seen that the factors which influence demand uh, are the price of the commodity, prices of the related goods, income of the consumers, advertising expenditure of the firm. So this Joe ek factor that is one of the most important factors that is income of the consumer. Now we have to see the responsiveness of demand to changes in income of the consumer for this purpose we'll be using the same formulas that we have already used for the price elasticity of demand that is we'll be using point elasticity formula and also the arc elasticity formula point elasticity formula now it will be defined as curly q by curly i where i stands for income of the consumer q is the quantity demanded multiplied by

यहाँ पे फिर से हमने वी हैव टेकन द एवरेज ऑफ द क्वान्टिटीज एंड ऑल्सो द एवरेज ऑफ द इनकम्स इस सूरत में uh, इसके लिए जो हम देख सकते हैं पहले भी हमने डिफाइन की थी कि देर आर सम गुड्स विच आर नॉर्मल एंड देर अदर गुड्स विच आर इन्फीरियर गुड्स एंड वी हैव सीन दैट एज द इनकम ऑफ कंज्यूमर राइजेज द क्वान्टिटी डिमांडेड फॉर मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स विल

इसे जब अब इन इन को हम यूज़ करेंगे तो हम देखेंगे दैट इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द नॉर्मल गुड्स इज़ पॉजिटिव वेयर एज इट इज़ नेगेटिव फॉर द इन्फीरियर गुड्स दिस मीन्स द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड द डिमांड फॉर द इन्फीरियर गुड्स इज इट हैज एन इनवर्स रिलेशनशिप वेयर एज फॉर द नॉर्मल गुड्स इट इज़ डायरेक्ट रिलेशन जैसे इनकम बढ़ती है तो उसकी डिमांड जो है वो भी बढ़ जाती है In this case, we can divide normal goods into two types, which is uh, the superior goods. Or uh, normal goods. ki types normal goods, and the superior goods. Uh, we have to see the coefficient of the elasticity of demand. That is, how large this coefficient is. It depends uh, if, it is, if it lies between zero and one. That is, uh, less than one. तो उसमें फिर हम कहेंगे कि हम नॉर्मल गुड्स की बात कर रहे हैं बट इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन वन फेयरली लार्ज दैट इज लेट से थ्री फोर तो उस सूरत में हम इसको कहेंगे दीज आर सुपीरियर गुड्स वी कैन डिवाइड द नॉर्मल गुड्स एंड इन्फेरियर गुड्स इन एन अदर वे इसके लिए हम इकानोमी uh, की जो सिचुएशन uh, है उसको देख सकते हैं दैट इज रिलेटेड टू द बिजनेस साइकिल वेदर द is इज़ इन रिसेशन और इट इज़ इन boom कंडीशन अगर बूम की सिचुएशन है तो उसमें फिर जब हम इकोनॉमी को ऑन द होल देखेंगे तो इस सूरत में लोग जो हैं वो इस तरह की अशिया जो हैं जैसे कि ऑटोमोबाइल्स हैं या ट्रिप्स हैं फॉरेन कंट्रीज़ के और इसी तरह से लार्ज स्क्रीन टीवीज़ हैं इनकी डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी इस टाइप की जो नॉर्मल गुड्स हैं उनको हम uh, कहते हैं सिकलिकल गुड्स दैट इज़ रिलेटेड टू द साइकिल बिजनेस साइकिल दिज आर कॉल्ड सिकलिकल नॉर्मल गुड्स ऑन द अदर हैंड गुड्स विच आर इसशल गुड्स लाइक नेसेसिटीज़ हैं तो वो नॉन सिक्लिकल नॉर्मल गुड्स हैं क्योंकि उस सूरत में प्राइस जो है वो कम हो या ज़्यादा उसका क्वांटिटी डिमांडेड पे बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं डे टू डे जो कमोडिटीज uh, हम खरीदते हैं ग्रोसरीज हैं uh, वेजिटेबल्स फ्रूट और ब्रेड एंड बटर इनकी जो प्राइस अगर कम भी हो ज़्यादा बढ़ जाए तो इसमें डिमांड पे ज़्यादा असर नहीं होगा सो दीज आर कॉल्ड नॉन सिक्लिकल नॉर्मल गुड्स वेयर इज द इन्फीरियर गुड्स आर कॉल्ड काउंटर सिक्लिकल गुड्स उसमें क्या होता है कि जब इकोनॉमी uh, जो है वह रिसेशन में है तो बहुत से वर्कर्स जो हैं उनकी जॉब्स जो, जो हैं वो नहीं रहती हैं तो इस सूरत में इंफीरियर गुड्स जो हैं उनकी प्राइसिस जो हैं वो ज्यादा भी हो जाएं तो उनकी डिमांड जो है कम नहीं होती इसलिए इनको काउंटर सेक्लिकल गुड्स जो है इन्फीरियर गुड्स को कहते हैं वेर एज नॉर्मल गुड्स आर टू टाइप्स सेक्लिकल गुड्स सेक्लिकल नॉर्मल गुड्स एंड नॉन सेक्लिकल नॉर्मल गुड्स सो वी कैन सी दैट एज फॉर एज द इनकम कंसर्न इट इज बेसिकली फॉर नॉर्मल गुड्स इट इज ग्रेटर दैन जीरो इट इज पॉजिटिव वेर एज पर इन्फीरियर गुड्स इट इज़ नेगेटिव तो नॉर्मल गुड्स जो हैं uh, वो इन्फीरियर गुड्स एक रेयर केस है जिसको जबकि नॉर्मल गुड्स जो है नॉर्मली हम देखते हैं कि जैसे इनकम जो है वो इनक्रीज होती है तो uh, इनकी जो डिमांड है वो भी कंज्यूमर uh, की बढ़ जाती है तो इस तरह से जो इनकम अलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ज़्यादातर उसका जो क्वाफिशेंट है दैट इज़ पॉजिटिव Now on screen you can see different categories of income elasticity of demand that is uh, income superior, income elasticity for superior goods is greater than 1 and income elasticity for the necessities is it lies between 0 and 1 and it is negative for inferior goods. Diagram may be aap ye सकते हैं hai ke humne है relationship show kiya hai yaha pe income aur aur jo consumers ki jo uh, quantity demanded hai. और इसमें आप देख सकते हैं कि जो इन्फीरियर गुड्स के लिए हमने रिलेशनशिप है वो नेगेटिव स्लोपिंग है और डाउनवर्ड स्लोपिंग है जबकि uh, जो नेसेसिटीज़ हैं उनका जो है वो राइजिंग uh, कर्व है और इसी तरह से सुपीरियर गुड्स के लिए भी राइजिंग कर्व है जो कि ज़्यादा स्टीप है जो शो कर रहा है दैट इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ ग्रेटर देन वन इसके बाद नेक्स्ट जो है हम डिस्कस uh, करेंगे क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इसमें हमने ये देखा था कि वन ऑफ द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस डिमांड इज द प्राइसिस ऑफ द रिलेटेड गुड्स दैट इज द प्राइसिस ऑफ द सब्सटिट्यूट और द प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्स और इसके लिए अब हम जो इलास्टिसिटी का मैयर है उसको देखेंगे वो क्या वो जो है उसको हम कहते हैं क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या सिंपली क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिस शोज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ प्रोडक्ट वन टू चेंज इन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट टू या हम ले सकते हैं कि प्रोडक्ट एक्स so और प्रोडक्ट वाई सो दैट वी आर गोइंग टू यूज़ द सेम फार्मूला टू मेजर द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी दैट इज़ पॉइंट इलास्टिसिटी फार्मूला और आर्क आर्क इलास्टिसिटी फार्मूला और यहाँ पर जो फार्मूला है जाहिर है कि हम कह रहे हैं कि हमने जो देखना है कि क्वान्टिटी जो है एक प्रोडक्ट की Uh, किस तरह से चेंज हुई है जबकि प्राइस जो है वो किसी दूसरी प्रोडक्ट की चेंज हुई है बट दीज प्राइसिसमोडिटीज आर रिलेटेड गुड्स आदर दे आर रिटेड एज सब्ट्यूट और दे आर रिलेटेड एज कॉम्पलीमेंट्सिटी क्रॉस प्राइस एलॉसिटी इज गिवन एज क्यू एक्स टू माइनस क्यू एक्स वन डिवाइडेड बाई पी वाई टू माइनस पी वाई वन मल्टीप्लाइड बाई P 2 plus P 1 divided by Q X plus Q X So we can see that cross price elasticity for substitutes it is greater than zero, that is it is positive, and for complements it is negative. इसको हम explain करते हैं कि जैसे अगर हम tea और coffee की example लेते हैं जो हैं the substitutes, तो अगर tea की price जो है वो बढ़ जाएगी तो quantity demanded जो है वो coffee की बढ़ जाएगी. तो इनकी जो डायरेक्शन ऑफ चेंज है वो एक ही जैसी है इसीलिए यहाँ पे जो हमारे पास कोफिशेंट है क्रॉस uh, इलास्टिसिटी का वो पॉजिटिव आएगा ऑन द अदर हैंड इफ यू लुक एट द कॉम्प्लीमेंट्स फॉर इंस्टेंस हम कॉफ़ी और चीनी का देखते हैं तो अगर चीनी की कीमत जो है वो बढ़ जाती है तो कॉफी की जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम हो जाएगी सो हियर द रिलेशनशिप इज़ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स तो इसलिए यहां पे जो हमारे पास क्वेफिशेंट आएगा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का दैट विल बी नेगेटिव कैन सी दैट ऑल इलास्टिसिटीजिटी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इलास्टिसिटीज आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द फर्म्स इन देंस दैट देव टू लुक एट द

फार्म्स uh, हैं वो देख सकती हैं कि जो प्राइसेस ऑफ द रिलेटेड गुड्स हैं जैसे कि फार्मस uh, की जो सब्सटीट्यूट हैं या कॉम्प्लीमेंट्स हैं उनकी प्राइसिंग uh, पॉलिसी uh, जो उनके कंपेटिटर्स हैं वो uh, इस्तेमाल कर रहे हैं उसको भी फॉर्म को देखना होगा इन एडिशन टू दिस फ्रॉम द मैनेजरियल परस्पेक्टिव वी कैन डिस्कस एन अदर इलास्टिसिटी विच इज़ कॉल्ड एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हेयर वी हैव टू सी द रिस्पांसिवनेस ऑफ डिमांड टू एन इंक्रीज और डिक्रीज इन द एडवर्टाज एक्सपेंडिचर ऑफ द फर्म इसके लिए हम एक्साम्पल ले सकते हैं जैसे कि मूवी मेकरस हैं तो वो कंसिडर कर सकते हैं कि वह अपनी मूवी की क्वालिटी को ज्यादा बढ़ाएं या कि एडवरटाइजिंग और प्रमोशन कैम्पेन जो है उसके ऊपर ज़्यादा जो है स्पेंड करें तो अगर उनके ख्याल में Uh, ज़्यादा जो है प्रमोशन पे uh, स्पेंड करने में या एडवर्टाइजिंग पे स्पेंड करने में उनकी जो uh, मूवी है वो उसका ज़्यादा सेल होती है तो वो इस पे ज़्यादा जो है तोज्जो देंगे सो इन दिस केस एडवरटाइजिंग जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसके लिए भी हम सेम फार्मूलाज यूज़ कर सकते हैं दैट इज़ पॉइंट इलास्टिसिटी फार्मूला और जो आर्क इलास्टिसिटी फार्मूला है तो इस इस लिहाज से फर्म जो है मैनेजीरियल परस्पेक्टिव से हम देख सकते हैं दैट ऑल ऑफ दीज इलास्टिसिटीज़ दैट इज़ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्रॉस प्राइस ऑफ़ डिमांड एंड सिमिलरली डिमांड फर्म कैन यूज़ ऑल दीज इलास्टिसिटीज इन देयर प्राइसिंग पॉलिसी और एडवर्टाइजिंग पॉलिसी में भी यूज़ कर सकते हैं तो इसमें जो है जैसे कि हमने देखा प्राइस इलास्टिसिटी में हमने जो था फॉर्मूला डिराइव किया था ऑप्टिमल प्राइस आ, प्राइसिंग का और इसी तरह से इनकम इलास्टिसिटी में भी जो फर्म है वो देख सकती है कि इनकम इलास्टिसिटी अगर पॉजिटिव है देन दीज आर द नॉर्मल गुड्स और अगर नेगेटिव है तो वो फिर इन्फीरियर गुड्स हैं इसी तरह से जो एस्टिमेट्स हैं क्रॉस प्राइस इलास्टिसटी के वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर जो है वो पॉजिटिव हैं इलास्टिसिटी को जो है वो अगर पॉजिटिव है दिस पिट इंडिकेट दैट द टू प्रोडक्ट्स आर सब्सिट्यूट्स तो अगर वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो सब्सटिट्यूट्स हैं तो उनकी प्राइस जो है वो किस तरह से कम की जाए या बढ़ाई जाए और इसी तरह से कॉम्प्लीमेंट्स जो हैं उनकी भी इसी तरह से एडवर्टाइजिंग के लिए भी अभी हमने आपको बताया है कि एडवर्टाइजिंग के लिए वो ये फर्म जो है वो डिटर्मिन करेगी कि उसको अपनी क्वालिटी पे ज्यादा जो है स्पेंड करना है या कि एडवर्टाइजिंग के ऊपर जो एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ाना है तो इसी तरह से ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये फर्म के लिए बहुत जरूरी है जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसके बिगनिंग में हमने बताया था कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि फर्म के कंट्रोल में हैं और कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि फर्म के कंट्रोल में नहीं हैं और हमने देखा था दैट द कंट्रोलेबल वेरिएबल्स आर प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी एंड द एडवर एक्सपेंडिचर ऑफ द फर्म एंड सिमिलरली वी हैव सीन दैट द फैक्टर्स विच आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द फर्म दे इंक्लूड इनकम लेवल ऑफ द कंज्यूमर्स द रिलेटेड गुड्स एडवरटाइजिंग एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द कंपेटिटर्स दीज आर ऑल factors which are outside the control of the firm and these are called exogenous variables whereas those factors which are under control of the or within the control of the firm they are called endogenous variables and endogenous variables in this case are price of the commodity of the firm and uh, also the advertising expenditure of the firm or uh, outside a firm key control say bahir you Factors, unko humne apko bataya hai, but as far as the elasticities of these uh, controlled or uncontrolled variables are concerned, all of these are important from the firm's perspective, managerial uh, perspective se bhi, jo ke manager ko decisions lene hai, wahan pe ye sab elasticities jo hai important, and that is the information about the price elasticity, income elasticity, cross price elasticity, and similarly. Advertising elasticity of demand, they are uh, useful for the firm. For this purpose, we are going to give you an example, uh, and you can see on your screen the numerical example which is given here. Now, using elasticities, uh, we are uh, going to here give you an example uh, which is uh, for coffee brand X. You can see the demand function QX is given as 1.5 minus 3.0. Px plus 0.8i plus 2.0py minus 0.6ps plus 1.2a, where Qx stands for quantity demanded of coffee brand X, Px stands for price of coffee brand X, and uh, this is given in uh, dollars per pound, i is for personal disposable income in millions of dollars per year.

प्राइसेस ऑफ द रिलेटेड गुड्स हैं या कॉम्प्लीमेंट्स हैं या एडवरटाइजिंग एक्सपेंडिचर है वो हम उसके जो है uh, कुछ कांस्टेंट हमें वैल्यूज जो हैं वो गिवन हैं इन दिस स्लाइड यू कैन सी दैट सपोज दैट प्राइस ऑफ एक्स इज टू डॉलर्स इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स इज टू पॉइंट फाइव इन इट इज इन थाउजेंड ऑफ डॉलर्स पी वाई दैट इज द प्राइस ऑफ द्रांड कॉफी बाई इज वन पॉइंट एट जीरो डॉलर Price of sugar is $0 0.50 dollars and advertising expenditure is 1 million dollars. Substituting all these values in the demand function qx, we get here uh, that is 1.5 minus 3 multiplied by 2 plus 0.8 multiplied by 2.5 plus 2 multiplied by 1.80 minus 0 0.6 multiplied by 0 0.5. +1.2 multiplied by 1 when we ca calculate this we get qx equal to 2 next we are going to compute the elasticities that is with respect to price with respect to income and then cross elasticities between x and y and x and s and also advertising elasticity using point elasticity formula we get elasticity price elasticity of demand equal to -3 income elasticity of demand equal to 1 cross price elasticity between x and y this is equal to 1.8 and cross price elasticity between x and s is equal to -0.15 and advertising elasticity is equal to 0 0.6 so here we can see that the price elasticity of demand is equal to -3 विच इंडिकेट्स दैट इलास्टिसिटी इज़ ग्रेटर दैन वन एंड इट इज़ फेयरली इलास्टिक जैसे कि हमने पहले कहा कि जब इसके क्लोज साबस्टिट्यूट्स होंगे कमोडिटी uh, के तो इसकी जो इलास्टिसिटी है वो ज़्यादा होगी और यहाँ पर क्योंकि हम uh, एक ब्रांड की कॉफ़ी को जो कंसिडर कर रहे हैं तो उसके दूसरे बहुत सारे ब्रांड्स हैं अगर एक ब्रांड की प्राइस जो है वो ज़्यादा होगी तो कंज्यूमर जो हैं वो दूसरे ब्रांड पर स्विच कर जाएँगे इसीलिए इसकी जो है प्राइस इलास्टिसिटी वो हम देख सकते हैं दैट इट्स फेयरली लार्ज विच इज इक्वल टू थ्री एंड इन एब्सोल्यूट वैल्यू वी कैन सी दैट इट इज इक्वल टू थ्री बट इट इज अटैच विद अ नेगेटिव साइन एंड द रीजन इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड इज इनवर्स द सेकेंड इलास्टिसिटी दैट वी हैव माइट हेयर इज इनकम इलास्टिसिटी विच इज इक्वल टू वन विच इंडिकेट स्पॉट When we discussed income elasticity of demand, we have seen that, there, we have seen that uh, there are two types of goods, normal goods and inferior goods. And for the normal goods, income elasticity of demand is positive. So here uh, we have a positive income elasticity of demand, which indicates that coffee is a normal good. It is not an inferior good. For the inferior goods, the income elasticity of demand is negative. लेकिन यहाँ पे जो हमने एस्टिमेट की है इलास्टिसिटी वो हमने देखा कि ये पॉजिटिव है एंड एज फार एज द वैल्यू ऑफ द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज कंसर्न दिस इज इक्वल टू वन वाइल वी वर डिस्कसिंग द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वी हैव सीन दैट फॉर द नेसेसिटीज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लाइज बिटवीन 0 एंड 1 एंड देयर वर टू टाइप्स ऑफ नॉर्मल गुड्स डेट वी हैव कंसिडर्ड और जो लागजरीज हैं उनकी इलास्टिसिटी जो है वो ग्रेटर दैन 1 है Here we have found that income elasticity is close to, it is exactly equal to one. So we can say that it is close to one. Okay, and this means that this falls into the category of non-cyclical normal goods. We have seen that for the cyclical normal goods, income elasticity, elasticity of demand is greater than one, or to inferior goods, it is negative because it is positive and equal to one. So कि ये जो कॉफी uh, जो हम कंसिडर कर रहे हैं कमोडिटी वो नॉन सिक्लिकल नॉर्मल गुड है इसके अलावा इसके बाद नेक्स्ट जो हमने क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटीज मैयर की हैं और यहाँ पे हमने देखा दैट क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी बिटवीन ब्रांड एक्स एंड कॉफी ब्रांड वाई इज इक्वल टू 1.8। पॉइंट एट दिस इज पॉजिटिव विच इंडिकेट्स दैट दिज टू कमोडिटीज आर सब्सटीट्स एंड सिंस इट इज ग्रेटर देन वन Uh, इसकी जो वैल्यू है इसका जो क्वाफिशियट है जो हमने एस्टिमेट किया है दैट इज इक्वल टू वन पॉइंट एट एंड इट इज नगेटिव विच इंडिकेट्स दैट इट इज पॉजिटिव दिज टू कमोडिटीज आर सब्सटी एंड दे आर फेयरली क्लोज साब्सटीट्यूट बिकॉज द वैल्यू इज ग्रेटर दैन वन नॉर्मली जो है uh, हम कह सकते हैं कि वैन द वैल्यू ऑफ द कोफिशियंट ऑफ इलास्टिसिटी इज ग्रेटर दैन पॉइंट फाइव

आर नॉट रिलेटेड गुड्स हो सकता है कि हम जो प्राइस इंक्रीज हम देख रहे हैं बटर और इसके साथ हम क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो किसी ऐसी कमोडिटी की तरफ देख रहे हैं जिसका उसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है जैसे कि हम मिसाल दे सकते हैं कि बटर की प्राइस को अगर हम जो है कंसिडर कर रहे हैं इसको हम कंपेयर कर रहे हैं क्वान्टिटी डिमांडेड फॉर ऑटोमोबील्स दैन दीज टू आर नॉट रिलेटेड एट ऑल दीज टू गुड्स आर अन सो so, इनकी अगर हम क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी मैजर करेंगे तो वो जीरो होगी और या बिल्कुल जीरो के करीब होगी नेक्स्ट क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी जो हमने यहाँ पे न्यूमेरिकली एस्टिमेट की है दैट इज बिटवीन कॉफी एंड शुगर तो ये नेगेटिव है जो जो हमें ये बताती है दैट दीज टू गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्स यहाँ पे हमारे पास जो एस्टिमेट uh, आया है दैट इज माइनस पॉइंट वन फाइव इट इज़ लेस दैन पॉइंट फाइव विच इंडिकेट्स दैट दीज टू आर नॉट दैट गुड कॉम्प्लीमेंट्स लेकिन ये कि बहरहाल कॉफ़ी जो है उसमें हम शुगर तो यूज़ करते हैं और वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड के तौर पर ही हम उसको यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं लेकिन ये हो सकता है कि uh, चीनी या शुगर के कोई और जो हैं सब्सटिट्यूट्स uh, हों जो उनकी जगह हम इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत से लोग जो हैं वो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यूज़ कर सकते हैं और इसी तरह से मे uh, भी जिस तरह चीनी की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई है तो इससे हम ये भी uh, अखज़ कर सकते हैं कि मे भी बहुत सारे लोग जो हैं वो विदाउट शुगर कॉफी इंजॉय कर रहे हैं सो हियर यू हैव सीन दैट द क्रॉस प्राइस इलास्ट्रिसिटी बिटवीन शुगर एंड कॉफी इज इक्वल टू माइनस जीरो पॉइंट वन फाइव द माइनस इंडिकेट्स दैट द टू गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स दैट इज दे आर यूज टूगेदर दे आर नॉट आई मीन वन गुड इज़ नॉट रिप्लेसड फॉर द अदर दे आर आदर यूज टुगेदर लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो एस्टिमेट uh, है uh, इस इलास्टिसिटी का वो रेलेटिवली स्मॉल है पॉइंट फाइव से भी कम है जिससे ये uh, हम कह सकते हैं कि uh, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लीमेंट्स नहीं है नेक्स्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमैन दैट वी हैव कम्प्यूटेड हेयर इज विध रिस्पेक्ट टू एडवरटाइजिंग एंड द वैल्यू ऑफ दिस एस्टिमेट इज इक्वल टू पॉइंट सिक्स दिस इज पॉजिटिव विच इंडिकेट दैट द रिलेशनशिप बिटवीन एडवरटाइजिंग एक्सपेंडिचर एंड इट्स डिमांड इज डायरेक्ट जैसे ही फर्म जो है अपने एडवरटाइजिंग एक्सपेंडिचर को इंक्रीज करेगी इसकी डिमांड जो है इसकी प्रोडक्ट की वो भी इंक्रीज होगी इसके बरस जब एडवरटाइजिंग एक्सपेंडिचर को कम कर दिया जाएगा तो उसकी क्वान्टिटी डिमांड जो है वो भी कम हो जाएगी सो so यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है इसलिए हमारे पास ये इलास्टिसिटी जो है वो भी पॉजिटिव है एंड इन दिस केस इट इज़ ग्रेटर देन पॉइंट फाइव एज वी हैव इंडिकेटेड दैट इफ इट इज इफ द वैल्यू ऑफ द क्वेफिशेंट ऑफ इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन पॉइंट फाइव दैट वुड इम्प्लाई दैट इलास्टिसिटी इज फेयरली बिग In this in this sense, uh, it is although it is less than one, but in 0.5 is more. So, its importance is here that advertising uh, jo hai, expenditure, if it is reduced, demand will be reduced. And if it is increased, demand will be increased. So, in this case, we have seen that agar ye jo, uh, if the firm uh, uses the, all this information regarding इट्स डिफरेंट इलास्टिसिटीज दैट इज फॉर दिस काफ़ी ब्रांड एक्स द डिमांड फंक्शन फॉर द कॉफी ब्रांड एक्स हेयर वी है एग्जाम्पल ऑफ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ कॉफी और इसमें हमने जो है डिफरेंट जो इलास्टिसिटीज मैयर की हैं uh, इसमें क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटीज हैं प्राइस इलास्टिसिटी है इनकम इलास्टिसिटी है, है और इसी तरह से एडवरटाइजिंग इलास्टिसिटी है और ये सारी इंफॉर्मेशन जो है फर्म के लिए बहुत यूज़फुल है इन द सेंस के वो इसमें देख सकती है कि कौन सी जो प्रोडक्ट्स हैं वो उसके सब्सटीट्यूट्स हैं कॉम्प्लीमेंट्स हैं और जो उसके कंपेटिटर्स हैं एडवर्टाइजिंग में वो कौन सी पॉलिसी जो है किस पॉलिसी को यूज़ कर रहे हैं और इसी तरह से फर्म जो है वो अपनी डिफरेंट पॉलिसीज़ दैट इज़ प्राइसिंग पॉलिसी और एडवर्टाइजिंग पॉलिसीज जो है वो इनकी बेसिस के ऊपर डिसाइड जो है कर सकती है सो डिसीजन मेकिंग जो मैनेजीरियल डिसीजन मेकिंग है उसमें इलास्टिसिटीज की जो डिफरेंट क्वाफिशेंट्स हैं दैट इज़ इनकम इलास्टिसिटी प्राइस इलास्टिसिटी क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी और इसी तरह से एडवरटाइजिंग इलास्टिसिटी ये सब फॉर्म के लिए जो मालूम हैं या जो इंफॉर्मेशन है दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट विद डैट वी कम टू एंड ऑफ द टोडेज लेक्चर थैंक यू